Hello students and welcome back to my channel Sync Creation Education. In today's video, we are going to start our chemistry syllabus with chapter number 2, Structure of Atom. Guys, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैम ने फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया. बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ाया जा सके. बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप 9th और 10th क्लास में पढ़ के आए हो, सब कुछ वही है उसके अंदर. और मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में से आपके नीट एग्ज़ाम में या एम्स और जिपमर के एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. ओके, सो इसलिए हमने फर्स्ट चैप्टर को स्किप किया, बिकॉज टाइम वेस्ट करना होगा अगर हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं तो. सारी वही बेसिक चीज़ें हैं जो आपने 9th और 10th में पढ़ी थी. तो अगर आप चाहते हो कि आपको बेसिक चीज़ें वापस से रिवाइज कराई जाएँ तो आप लोग प्लीज़ उस चैप्टर को एक बार देख लीजिए, उसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू करिएगा. तो आज हमारा ये पार्ट वन होने वाला है चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसके अंदर हम पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको समझाने वाले हैं. तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आगे आने वाले पार्ट्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें. तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारे आज के चैप्टर को. गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. जो आप लोग केमिस्ट्री का सी शुरू करते हो ना, वो इसी चैप्टर से शुरू होता है. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर से समझ में आएंगी कि कैसे कैसे इनकी डिस्कवरी हुई. तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बस आपको इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा, अदरवाइज़ आप बोर हो जाओगे अगर आपने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा चैप्टर को. और अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो जो बेसिक्स है ना, वो क्लियर नहीं हो पाएंगे. राइट, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो चैप्टर का नाम है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम किसका बना हुआ होता है, उसके अंदर क्या पार्टिकल्स होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं. हालांकि एटम आपने ये तो सुना ही होगा 9th और 10th क्लास में कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ऐसा पहले माना जाता था. ठीक है, कोई भी जो मैटर बना हुआ है वो छोटे छोटे एटम के मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है. क्लियर, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल यस. लेकिन ये चीज़ काफ़ी हद तक सही मानी गई बहुत टाइम तक, लेकिन एक एटम के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये चीज़ काफ़ी टाइम के बाद पता चली, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद. ओके, तो इस चीज़ को हम आगे जानते हैं इस चैप्टर में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा. सो सबसे पहले यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है, द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द डिफरेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट. जनरली क्या है, यहाँ पर यह बताया गया है कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग केमिकल बिहेवियर इसलिए होते हैं बिकॉज उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की तरह नहीं होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है, इसीलिए उनके केमिकल बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं. क्लियर, बिल्कुल. सो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिए कि चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. बेसिकली अगर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से मिल जाए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आगे क्लियर हो जाती हैं चैप्टर के बारे में. क्लियर, सो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, देखो जैसे ही आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी. उनमें से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताते हैं. सबसे पहले आपको पता चलेगा द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, यानी कि एटम से भी छोटी कोई यूनिट होती है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है. ठीक है, उसके बाद जो थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर का एटॉमिक मॉडल है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखो थॉमसन का जो मॉडल है वो गलत साबित हुआ, तो उसके बाद रदरफोर्ड का आया, देन वो गलत साबित हुआ, देन बोर का मॉडल आया, फिर वो गलत साबित हुआ. तो इस तरीके से ना आपको ये सारी गलतियाँ ये लोग पढ़ाते हैं, एक साथ एक ही नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये गलतियाँ जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप सीखोगे नहीं. क्लियर मेरी बात. चलिए उसके बाद अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स पता चलेंगे अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. गाइस ये सारे फीचर्स मैं अभी पढ़ के बता सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आपको ये ना पता चले कि एक एटम क्या होता है. हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, एक एटम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. The existence of atoms has been proposed since the time the early Indian and Greek philosophers. देखिए पहले के जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये तो बता दिया था कि एटम होता है, एटम नाम का एक मटीरियल, एटम नाम का एक आप कह सकते हो कण जो है वो प्रेजेंट है.
ठीक है, ये तो हमें पहले पता चल गया था. हु वर ऑफ द व्यू दैट एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मैटर. देखो, पहले के जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये बात तो क्लियर कर दी थी कि एटम सबसे छोटा कण है. किसी भी बिल्डिंग को जब आप बनाते हो तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक एक ईंट लगती है, ठीक है, और वो एक एक छोटी छोटी ईंट से क्या बनती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग बनती है. क्लियर? तो वो जो एक एक ईंट है वो क्या है, इट इज़ एटम. क्या है वो? एटम. तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ऐसा कुछ इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स का मानना था, जिस उस छोटे से पार्टिकल से एक बड़ा मैटर बनके तैयार होता है. एक मैटर किसका बना हुआ होता है? एक मैटर बना होता है मॉलिक्यूल्स से, कुछ पार्टिकल्स से, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं. क्लियर? बिल्कुल. आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू देम, इन सभी इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स के अनुसार, द कॉन्टिन्यूड सब डिविजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल. देखिए, इनके अकॉर्डिंग क्या मानना था कि अगर आप एक ब्लॉक को लेते हैं, ठीक है, अगर आप एक पत्थर को लेते हैं, उसको तोड़ते रहिए, कॉन्टिन्यूसली उसको तोड़ते रहिए, तो सबसे छोटा जो पार्टिकल आपको मिलेगा वो किसका होगा? वो पार्टिकल होगा एटम, जिसको आप आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, विच इज नॉट टू बी फर्दर डिविजिबल, मतलब आगे और डिवाइड नहीं हो सकता. तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा? वो एटम होगा. हालांकि आगे और डिस्कवरीज हुई और एक्सपेरिमेंट हुए जिनसे पता चला कि एटम से भी छोटा कुछ होता है, लेकिन अब तक तो यही माना जा रहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है. आप किसी भी ब्लॉक को, किसी भी पत्थर को ही चाहे आप तोड़ के देख लो, किसी मैटर को आप तोड़ के देख लो, तो आपको सबसे छोटा जो पार्टिकल मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा आपका एटम. क्लियर? बिल्कुल. द वर्ड एटम, अब ये जो वर्ड एटम है जिसको हम इतनी देर से बोल रहे हैं, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल, जिसको हम काट ना सके, और नॉन डिविजिबल, जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड ना कर सके. सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा कण, जिसको हम और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो नाम का मतलब ही यही होता है, नॉट डिविजिबल. उसके बाद, दीज अर्लियर आइडियाज़ वर मेयर स्पेक्यूलेशंस एंड देयर वॉज नो वे टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली. देखिए, ये जितने भी आइडियाज़ लगाए जा रहे थे कि एटम सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई और पार्टिकल नहीं है, ये सब सिर्फ बातें थी, ये सब बोलने की बातें थी. कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला था इसका, और उस टाइम पर कोई ऐसे माइक्रोस्कोप की इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सके, ऐसे एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुए थे. तो ये सिर्फ कहने की बातें थी जिसे लोगों ने मानना शुरू कर दिया और काफ़ी टाइम तक इन बातों को मानते रहे, ठीक है. इसका कोई पर्टिकुलर बिल्कुल सही प्रूफ नहीं था. क्लियर है मेरी बात? एंड देयर वॉज नो वे टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली, और कोई तरीका भी नहीं था उस टाइम पे कि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन चीज़ों को टेस्ट कर सकें और पता लगा सकें कि क्या सच में एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है या फिर उससे भी छोटा कोई पार्टिकल है. क्लियर? बिल्कुल. नाउ दीज आइडियाज रिमेन डॉर्मेंट. अब डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है. डॉर्मेंट मीन्स शांत. ये जो आइडियाज थे ये शांत रहे, इसका मतलब इन्हीं आइडियाज को बहुत लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय तक इन आइडियाज को माना गया कि हाँ यही सच है, इन आइडियाज पे किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया. इसी को मानते हुए आगे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और आगे जो इवोल्यूशन है ये सब होता रहा, साइंस के बारे में हमें चीज़ें पता चलती गई. लेकिन कुछ टाइम के बाद इट वॉज रिवाइव्ड अगेन बाय साइंटिस्ट इन द 19th century. कब हुआ था? 19th century में कई साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इसको पुनर्जीवित किया, यानी कि इसके बारे में वापस से जानने की कोशिश करी कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से, और वो एक्सपेरिमेंट हम आगे देखने वाले हैं. द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन. ये जो एटॉमिक थ्योरी है, एक मैटर की एटॉमिक थ्योरी, कि एक मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ये किसने दी थी सबसे पहले? जॉन डाल्टन ने. ये कौन थे? अ ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808 में. क्या थे ये? एक ब्रिटिश स्कूल के टीचर थे. इन्होंने अपनी थ्योरी को कहा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये बताया था कि एटम जो है वही सबसे छोटा अल्टीमेट पार्टिकल है. किसका?
बिल्कुल सही, मैटर का, यानी कि मैटर की सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है जिससे एक मैटर ब्लॉक बनके तैयार होता है वो होता है एटम। डाल्टन्स अटोमिक थ्योरी वॉज एबल, अब देखिए डाल्टन की जो अटोमिक थ्योरी थी वो क्या एक्सप्लेन कर पाई थी और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि आपको पता चले कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो एक थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई और उसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी थ्योरी बनाई गई, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। क्लियर, बिल्कुल। सो डाल्टन्स अटोमिक थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कि जो देखियो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे सारे लॉ डिपेंड करते हैं, एक ही लॉ है जिससे सारे लॉ यहाँ पर जारी किए गए हैं, सारे लॉ यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। सो डाल्टन की अटोमिक थ्योरी जो थी उससे ये पता चला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली, ये तीनों लॉ जो हैं डाल्टन की अटोमिक थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि एक एटम ही ऐसा पार्टिकल है जिससे पूरा मैटर बनता है, छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक पूरा मैटर बनके तैयार होता है। लेकिन डाल्टन की जो थ्योरी थी इट failed to explain, वो नहीं explain कर पाई थी the result of many experiment, कई सारे experiment के result को, जो क्या था, it was known that substances like glass or ebonite when rubbed with silk or fur get electrically charged, ये चीज़ को डाल्टन की जो थ्योरी है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी कि जब भी हम एक ग्लास को रब करते हैं सिल्क के साथ या फिर किसी फर, या किसी फर के साथ उसको रब करते हैं तो वहाँ से क्यों एक इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, इलेक्ट्रिकली क्यों चार्ज हो जाता है वो, जब भी हम एक सिल्क को किसके साथ रब करेंगे, ग्लास के साथ रब करेंगे, तो क्यों वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाए कौन, डाल्टन। तो उसके बाद इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ 19th एंड द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए साइंटिस्ट के द्वारा जिससे कि हमें पता चला कि भाई एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है, एटम किसका बना हुआ होता है, ओके और ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये कब किए गए, 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के शुरुआत में। तो इस मिड में ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। दीज एस्टेब्लिश दैट एटम्स आर मेड ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल। देखिए ये जो आपकी थ्योरीज हैं, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, इनसे हमें क्या पता चलेगा कि जो एटम है जिसको सबसे छोटा पार्टिकल बताया जा रहा था, दरअसल वो सबसे छोटा नहीं है, उससे भी छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया, जिनको सब अटोमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, कि एक एटम जो है वो बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, अ कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन, जो कि डाल्टन की थ्योरी से बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट था, क्योंकि डाल्टन ने तो कह दिया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन आगे जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनसे ये पता चला कि एटम जो है उससे भी छोटे कुछ सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब ये सब क्या होते हैं, कैसे पता चला कि ये भी कोई चीज़ होती है एटम के अंदर, ऐसी भी कोई चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन नाम की भी चीज़ होती है, तो ये हम पता करेंगे आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्लियर, बिल्कुल। सो द डिस्कवरी ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल, ये हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे पता चला कि सब अटोमिक पार्टिकल भी होते हैं। एन इंसाइट इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेज। अब देखिए गैसेस के थ्रू, गैसेस को एक मीडियम मान के उनके बीच में क्या करा गया, इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया, कुछ इस तरीके से। आप जो देखते हो कि जो ये बादल होते हैं, जब भी बारिश होती है या फिर कभी भी आप जब मौसम ख़राब होता है तो आप देखते हो कि जो बिजली गिरती है, क्या होती है, जो बिजली गिरती है इलेक्ट्रिक, ये क्या होता है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही तो है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी ही तो है जो गिरी है, राइट। लेकिन ये कैसे नीचे तक आई, ये किसी मीडियम में पास होके आई होगी, किसी मीडियम में फ्लो होके आई होगी, वो मीडियम क्या है यहाँ पर, एयर, वो मीडियम क्या है यहाँ पर, गैस, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट किया गया कि यहाँ पर ये एक मीडियम है, ठीक है, ये यहाँ से चार्ज आ रहा है, दोनों तरह से क्या आ रहा है, दोनों तरफ से चार्ज आ रहा है, और दोनों तरफ से चार्ज आता हुआ किस मीडियम में फ्लो कर रहा है, गैस के मीडियम में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यही एक एक्सपेरिमेंट था कि दोनों तरफ से चार्ज फेंका गया और देखा गया कि जो चार्ज है क्या वो फ्लो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, और वो फ्लो सच में कर पा रहा था इन द मीडियम गैस, ठीक है। तो सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर की बात उठी थी तो उसे किस में एक्सपेरिमेंट किया गया था, गैसेस को मीडियम बना के एक्सपेरिमेंट किया गया।
ठीक है. सो बिफोर वी डिस्कस दीज रिजल्ट, अभी जो गैस के अंदर जो मीडियम, गैस को मीडियम मान के जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये जनरली इसको पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि ये जो रिजल्ट निकला इन एक्सपेरिमेंट का, उसको जानने से पहले हमें अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखनी होगी, जो कि बेसिक रूल है विद रिस्पेक्टिव टू द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल. जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनका बहुत ही बेसिक रूल होता है, वो ये होता है कि जो लाइक चार्जेस हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. देखिए, जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि अलग अलग जाएंगे, और जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो आई होप मेरी चीज़ क्लियर हो गई हो कि जो लाइक चार्जेस हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं. और जो लाइक, जो अनलाइक चार्जेस हैं, जो एक दूसरे से अपोजिट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ. क्लियर है मेरी बात. तो ये जो बेसिक रूल है आपको ध्यान में रखना है, दैट द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि लाइक चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर है बिल्कुल बात. चलिए अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे. किस पे आएंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे. ये जो आप देख रहे हो आगे जो डायग्राम बना हुआ है, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन आप पहले ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया. एक सब अटोमिक पार्टिकल ही तो है इलेक्ट्रॉन. सब अटोमिक पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. क्लियर है मेरी बात. ओके, उसके बाद इन 1830, ठीक है, 1830 में माइकल फैराडे शोड दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. उन्होंने, फैराडे जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया कि अगर एक इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाए कैसे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में. अब आप पूछोगे, मैम ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है. देखो, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट कराने दे, यानी कि जिस सॉल्यूशन के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो. ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. क्लियर बिल्कुल. तो फैराडे ने भी यही कहा था कि हम जब पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी एट द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, अगर ऐसे सॉल्यूशंस में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोड में होगी ही होगी. क्लियर बिल्कुल. विच रिजल्टेड इन द लिब्रेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर, जिससे क्या होगा कि एक तरीके से मैटर हो सकता है. अब देखो, बहुत क्लियर सी चीज़ है जो आपको मैं समझाने वाली हूँ, ध्यान रखना. ये है आपका सॉल्यूशन. जो कैसा सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर ये एनोड पॉइंट हो गया. ये कैसा पॉइंट हो गया, एनोड पॉइंट हो गया, और ये आपका कैथोड पॉइंट हो गया. ठीक है, ये कैथोड पॉइंट हो गया. कैथोड मतलब नेगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव. क्लियर है मेरी बात. सो जनरली अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अटैच होगा आपका चार्ज, जो क्योंकि आप चार्ज फ्लो करा रहे हो, राइट. तो यहाँ से आपका चार्ज होगा. क्लियर बिल्कुल. यहाँ पे आप जाके ऐड कर दो इसे. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप प्लस और माइनस को, यहाँ पे आपने क्या किया, ऐड किया, यहाँ पर प्लस होगा. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर जब आपने इसको जनरली अटैच किया, ठीक है, आपने अटैच कर दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करा दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर या तो सॉल्यूशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन नेगेटिव का है, तो हो सकता है कि वो एनोड से जाके कैथोड पे जाए. ठीक है, या फिर वो क्या होगा, वो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक नेगेटिव होगा और वो जाकर कहाँ ऐड हो जाएगा, एनोड पे जाके ऐड हो जाएगा. तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक चीज़ क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि इस डायग्राम से एक चीज़ क्लियर होगी कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, या फिर कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से कैथोड में जाएंगे, या फिर एनोड में जाएंगे. क्लियर है. तो इससे ये तो समझ में आता है कि या तो वो डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, या तो जो आपके एलिमेंट्स हैं इसमें या तो डिकम्पोजिशन हो रहा है या फिर कॉम्बिनेशन हो रहा है. ठीक है, या तो लाइक एक साथ आके ऐड हो जा रहे हैं, या फिर डिकम्पोजिशन हो रहा है कि एनोड के कैथोड पे जा रहे हैं, कैथोड के एनोड पे जा रहे हैं. क्लियर है बिल्कुल बात. तो इससे ये तो समझ में आ गया दैट देयर इज लिब्रेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स. नाउ ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज विच यू विल स्टडी इन क्लास 12. इन्होंने, फैराडे ने कुछ लॉज भी दिए थे जो आप क्लास 12th के
चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है. दीज रिजल्ट सजेस्टेड दैट पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था ये हमारा एनोड पॉइंट था, ये हमारा कैथोड पॉइंट था, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया था, ठीक है, चार्ज पास कराया था. तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि इसमें कुछ पार्टिकल्स थे जो मूव कर रहे थे. या तो वो पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे या एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे. तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का पार्टिकुलेट नेचर यहाँ पे पता चला, ठीक है. देखो आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया और उसकी वजह से जो मैटर, ठीक है, जो मैटर था उसके अंदर जो एटम से मिलके बना हुआ जो मैटर है, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया और उसकी वजह से वो मैटर जो एटम से मिलके बना हुआ है उसमें कुछ चेंज आया होगा. क्लियर, ठीक है. तो किसी में से भी अगर एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, तो किसी से जाके जब वो जुड़ रहा है या मिल रहा है तो उससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक पार्टिकुलेट नेचर है. क्यों? बिकॉज एक पार्टिकल वाली सेम साइज वाली चीज़ है तो सेम साइज वाली चीज़ से जाके जुड़ेगी. एक पार्टिकुलेट, एक पार्टिकल ही तो जाके पार्टिकल से जुड़ेगा, एक मैटर तो जाके पार्टिकल से नहीं जुड़ जाएगा ना. एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, यही तो आपस में जुड़ेंगे. क्या कभी ऐसा होगा कि इतना बड़ा मैटर है और ये छोटा सा पार्टिकल ऐसे जाके जुड़ जाए? नहीं. क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल. तो इससे हमें पता चला कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका नेचर पार्टिकुलेट होता है. क्लियर, बिल्कुल. इन मिड 1850s में मैनी साइंटिस्ट, मेनली फैराडे, ठीक है, काफ़ी सारे साइंटिस्ट लेकिन मेनली अगर हम फैराडे की बात करें तो उन्होंने शुरुआत की. ही बिगेन स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्टिकुलरली पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब. अब आप पूछोगे मैम ये इवैक्यूएटेड ट्यूब क्या होते हैं? एक ऐसे खाली ट्यूब होते हैं जिनमें सिर्फ गैस होती है. गैस के होने का भी एक अलग टेम्परेचर होता है, अलग वोल्टेज होता है, लेकिन सिर्फ गैस होती है और कुछ भी इन ट्यूब्स के अंदर नहीं होता है. तो ऐसे ट्यूब्स को बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब, ठीक है, जिनको हम आगे अगर आप बोलो उनका पर्टिकुलर नाम बोलो तो इनका नाम होता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. इट इज़ डिपिक्टेड इन फिगर 2.1. आप देखिए इसके अंदर इस पूरे डायग्राम को दिखाया गया है, ठीक है. अब हम पढ़ते जाएंगे और डायग्राम से समझते जाएंगे. सो इट इज़ डिपिक्टेड इन फिगर 2.1, अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू पीसीज ऑफ मेटल, ठीक है. देखिए ये एक ट्यूब है आपका, ये ट्यूब है या नहीं है? यहाँ पर दो प्लेट्स हैं मेटल की, एक कैथोड है एक एनोड है. क्लियर है बिल्कुल बात, ठीक है. उसके बाद इनको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड्स. तो आपके ये जो कैथोड है और ये जो एनोड है इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. सो एक साइड पे कैथोड पॉइंट है, एक साइड पे एनोड पॉइंट है. उसके बाद द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व. अब अगर हम गैसेस को मीडियम मान के उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो ये है कि गैसेस का जो प्रेशर है वो प्रेशर लो होना चाहिए, ठीक है. और उस प्रेशर को हम लो कैसे करेंगे? इस वैक्यूम पंप की वजह से. यहाँ से हम प्रेशर को लो कर सकते हैं, ओके. जैसे हम गैस निकालते जाएंगे ट्यूब में से तो प्रेशर गैस का कम होता जाएगा और वोल्टेज हाई प्रोवाइड करके. जब हम हाई वोल्टेज देंगे और गैस का प्रेशर लो कर देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर जनरली हमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है. नाउ देखियो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इट कैन बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज. द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब, ठीक है. अगर हमें प्रेशर यहाँ पर गैसेस का चेंज करना है तो ग्लास ट्यूब के अंदर जो आपका वैक्यूम ट्यूब बना हुआ है ना, आपको उसके बेसिस पे करना होगा प्रेशर को कम, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है. उसके बाद व्हेन सफिशियंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जो आपके एनोड है कैथोड है ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं. तो इनके पास जब एक हाई वोल्टेज इनको सप्लाई किया गया, एक जैसे ही इनका लो प्रेशर किया गया गैस का और हाई वोल्टेज कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देयर विल बी इट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, ठीक है. जैसे ही हमने हाई वोल्टेज किया और गैस का प्रेशर कम किया तो एक करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, एक लहर जैसी. स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है एक लहर जैसी शुरू हो गई बहनी, फ्लो होनी शुरू हो गई, ठीक है, पार्टिकल्स की, जो कि ट्यूब के अंदर ही मूव कर रहा था फ्रॉम नेगेटिव टू
पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव हो रहे हैं ये कैसे पता चला कि हाँ ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही चार्ज मूव हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. साइंटिस्ट ने सोचा कि गैस मीडियम जो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेकिन ये जो मीडियम है गैस का, ये तो मीडियम है, इलेक्ट्रिसिटी पास तो इसमें हो रही है, लेकिन पास क्या हो रहा है हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. हमें बताना पड़ेगा कि इसमें कुछ तो पास हो रहा है, कुछ तो चीज़ है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पास हो रही है, लेकिन वो कुछ क्या है हमें अभी ये भी पता करना था. क्लियर है बिल्कुल? तो चलिए, नाउ दीज वर कॉल्ड, अब ये जो आपकी जो मूव हो रहे थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इनको बोला गया कैथोड रेज या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स. ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक बाय मेकिंग अ होल. अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. सबसे पहले आप ये जानिए कि इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब को लिया, उस ट्यूब के अंदर आप ये देखिए एक इवैक्यूएटेड पंप यहाँ पर लगाया हुआ, इवैक्यूएटेड ट्यूब था जो बिल्कुल खाली था, उसके अंदर सिर्फ गैस थी. गैस के प्रेशर को वैक्यूम पंप की वजह से कम किया गया और हाई वोल्टेज जैसे ही प्रोवाइड किया गया तो जो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, एक कैथोड था और एक एनोड था, इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ. ठीक है, अब ये हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इलेक्ट्रोड जो है कैथोड और एनोड, इसमें कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है. हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी तो एक वर्ड है, कुछ होगा, कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ तो मूव कर रहा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. तो ये हमें पता करना था कि वो क्या है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो हमारा एनोड वाला पॉइंट था, इस एनोड पॉइंट के बीच में देखो आप ये जो रेड कलर से बना हुआ है एनोड, इसके अंदर इन्होंने कुछ होल कर दिए. क्या कर दिए हैं? होल कर दिए हैं. और इस होल को करने के बाद ये जो लास्ट में जो बना हुआ है ना, ये आपको येलो येलो कुछ नजर आ रहा होगा, ये क्या है? यहाँ पर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया. अब आप पूछोगे मैम ये कौन सा मटेरियल होता है? यह एक ऐसा मटेरियल होता है जो जब इसमें लाइट पड़ती है, आप जैसे यहाँ से आपने गैसेस को मीडियम मान के आपने यहाँ से हाई वोल्टेज किया, गैस का प्रेशर कम किया और इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर पास कराया, जैसे ही आपने पास कराया चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज क्या होगा यहाँ से जाएगा जाएगा और ये जो होल क्या हुआ है, इस होल से पास होता हुआ यहाँ जो आपने फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगाया हुआ है इस पर जाके टकराएगा. जैसे ही इस पर जाके टकराएगा तो ये जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ है ये लाइट को क्या करेगा, चार्ज को अब्सॉर्ब कर लेगा, लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा. और क्या होगा, जैसे ही लाइट ऑफ होगी, जैसे ही आप चार्ज यहाँ पर फ्लो करना बंद कर दोगे, तब ये जो आपका फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है ये ग्लो होगा. ठीक है, NCERT में डायरेक्ट बताया हुआ है कि इन्होंने एनोड के बीच में होल कर दिया और फिर वहाँ से लाइट को पास कराया और फिर फॉस्फोरेसेंट ग्लो करने लगा, जबकि ऐसा नहीं था. ये थोड़ी ना पता था कि भाई, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पर कि मैम इन्होंने पहले एनोड को ही क्यों किया, नहीं, पहले उन्होंने इस साइड पे भी करके देखा था. ठीक है, कैथोड साइड पे भी उन्होंने सेम मटेरियल को लगाया और उन्होंने चार्ज को फ्लो करवाया, तो यहाँ पर कोई ग्लो नहीं किया, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल ग्लो ही नहीं हुआ. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट उनका फेल हुआ. फिर उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर कैथोड में होल करते हैं और यहाँ कैथोड के जो पीछे यहाँ पर ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर उन्होंने क्या लगा दिया, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगाया. ठीक है, फ्लोरोसेंट कोटिंग भी इसको बोलते हैं. ठीक है, ये कोटिंग करी इन्होंने और फिर क्या किया, इस कोटिंग को करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एनोड में से पास हुई, पॉजिटिव चार्ज में से पास हुई, तो यहाँ पर ग्लो करने लगा, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था वो ग्लो करने लगा. तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्ज है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है. क्लियर है मेरी बात? कैसे पता चला नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ? उन्होंने पहले यहाँ पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ था. फिर उन्होंने अपोजिट साइड में किया तो यहाँ पर ग्लो कर गया. ठीक है, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था वो ग्लो कर गया. इससे ये पता चलता है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, दैट द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वॉज फर्दर चेक बाय. देखो कि फ्लो जो है करंट का, वो कैथोड यानी कि नेगेटिव से एनोड यानी कि पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, ये आगे एक और बार चेक किया गया. कैसे? एनोड के अंदर एक होल बनाकर, जो हमने अभी देखा कि ये जो आपका ट्यूब था, यहाँ पर आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये कैथोड है और ये एनोड है, इसमें इन्होंने होल कर दिया और चार्ज को यहाँ से फ्लो करवाया और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल. तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या हुआ, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल
ग्लो करने लगा. ग्लो करने लगा का मतलब इसने इलेक्ट्रिसिटी को अब्जॉर्ब किया था, और जैसे ही चार्ज बंद हुआ या फिर चार्ज कम हुआ तो यहाँ पर ये जो मटेरियल है वो ग्लो करने लगा. और इससे पता चल गया कि जो चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है. क्लियर है मेरी बात? चलिए, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कोटिंग ट्यूब बिहाइंड एनोड, एनोड के पीछे एक कोटिंग कर दी, किसकी, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो कि जिंक सल्फाइड था. ठीक है, व्हेन दीज रेज, अब देखो आप बोलोगे मैम ये बहुत बड़ा सा वर्ड है, फॉस्फोरेसेंट क्या होता है. आजकल तो बहुत सारे आपके डेकोरेटिव आइटम्स भी आने लगे हैं इसके, जिसमें क्या होता है कि आप अपनी वॉल्स को डेकोरेट करते हो इस सब मटेरियल से, कि जब आपकी लाइट जल रही होती है तो ये लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आप जैसे ही लाइट को बंद करोगे तो ये ग्लो करते हैं. ठीक है, बिना लाइट के भी ये ग्लो करते हैं. क्यों? बिकॉज इन्होंने लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया है. क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल. नाउ Here is written, when these rays after passing through anode, जैसे ही वो जो anode के बीच में हमने होल किया था, जैसे ही यहाँ से rays पास करेंगी, it will strike the zinc sulfide coating, जो यहाँ पर हमने coating लगाई हुई है phosphorescent material की, इसको टकराएंगी, इससे टकराएंगी, और a bright spot is developed on the coating. एक glowing spot देखने को मिलेगा, एक bright spot आपको देखने को मिलेगा coating पे, यानी कि वो glow करेगी coating. ठीक है, उसके अंदर आपको लाइट देखने को मिलेगी. तो इससे क्या पता चलेगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है. अब इन एक्सपेरिमेंट से, ये जो जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए इनसे कुछ रिजल्ट आए, जिनको समराइज करके यहाँ एनसीईआरटी में बताया हुआ है. द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड द एनोड. जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रेज थी, जिन्हें पहले कैथोड रेज कहा गया था, वो पहले नेगेटिव से कहाँ जाती हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव करती हैं. सो इट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड इट विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव. इसी तरीके से जो मूवमेंट होता है चार्ज का वो कंप्लीट होता है. तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला हमें, दूसरा हमें पता चला दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल. अगर हम इन्हें ऐसे ही देखना चाहें तो ये नहीं दिखेंगी, बट अगर हम इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड, यानी कि अलग अलग मटीरियल से, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया था फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट मटीरियल. हम इनको वैसे ऑब्जर्व करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी मटीरियल की वजह से हम इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, विच ग्लो वेन हिट बाय देम, जो कि ये जो मटेरियल होते हैं फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट, ये ग्लो करते हैं जब इनको ये जो आपकी चार्ज होता है ये हिट करता है. आप जो टेलीविजन देखते हो उसके अंदर जो पिक्चर ट्यूब होती है वो भी किसकी बनी हुई है, उसके अंदर भी कैथोड रे ट्यूब आपको देखने को मिलेगा, एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरोसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. टेलीविजन की स्क्रीन पे फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी कि फ्लोरोसेंट कोटिंग की गई है, जिस पे जब चार्ज एक तरीके से हिट करता है तो वो ग्लो करता है और आप टीवी को देख पाते हो. ठीक है, उसके बाद एक और जो एक्सपेरिमेंट, देखिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे आपको बताए, उनका जो समरी निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. देखिए ये आपका ट्यूब है, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल जो आपकी फील्ड है तो ये एक तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो आपकी एक तरीके से आपकी इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस हैं ये वाली फील्ड्स, मैग्नेटिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स अगर नहीं हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा. क्या करेगा? ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर है? बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो करेगा. तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होंगी तो जो हमारी रेज होती हैं, कैथोड रेज जो हैं, वो ट्रैवल करेंगी इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब प्रेजेंट होगा क्या, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जब प्रेजेंट होंगी तो उनका बिहेवियर होगा कैथोड रेज का, इट इज़ सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव से कहाँ पर, पॉजिटिव की साइड. ओके, सजेस्टेड दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो नेगेटिव से कहाँ मूव करते हैं, पॉजिटिव की तरफ. क्लियर है? बिल्कुल. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मटेरियल है इलेक्ट्रोड्स का, क्या नेचर है गैस का, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उनको मेन फर्क पड़ता है किससे, कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए. अगर
इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होंगी तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, कोई भी आपको पाथवे देखने को नहीं मिलेगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो आपका चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, कैथोड रेज जो है, वो कहाँ से ट्रेवल होंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर बिल्कुल। तो मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन्स को, उनको मेन फर्क पड़ता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं या नहीं, ठीक है, वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट लाइन में देख लेते हैं, दस अब कंक्लूजन देखते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम, ठीक है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिक है, क्या है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि एक बेसिक चीज़ है जिससे एटम बना हुआ है। जहाँ पहले कहा जाता था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे पूरा मैटर बना हुआ है, अब माना जाता है कुछ एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कि जो आपका एटम है उसके अंदर भी सब अटोमिक पार्टिकल होते हैं, जिनमें से एक की डिस्कवरी तो हो चुकी, एक का एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिया और हमें पता चल गया कि एक और पार्टिकल सब अटोमिक पार्टिकल होता है एटम के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो सबके अंदर पाया जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। सो गाइज, यहीं पे हम इस पार्ट को एंड करते हैं, आगे की चीज़ हम पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको किसी और तरीके से पढ़ना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर पहली बार ही वीडियोज़ देख रहे हैं। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ।